जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम SKT के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, SKT का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, कट ऑफ कितना गए, मेडिकल कब होगा। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट थे जो कि PET में नहीं गए क्योंकि उनका नंबर नहीं आया था, तो उन सभी के भी मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं लिस्ट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे नई नोटिफिकेशन वी आर ओ संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन PME एंड डिटेल ऑफ अदर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोरकीपर टेक्निकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 02/2022। फ्रेंड्स, वैकेंसी की बात कर लेते, इसमें 490 थी टोटल जितने भी कैटेगरी है सभी की, ठीक है। फ्रेंड्स इनका जो PET हुआ था 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स, इनका जो प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो होगा 19 जुलाई 2023, ठीक है। तो सबकी डेट अलग अलग है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा। UR की कट ऑफ गई है वो 74 गई है, SC की 66 गई है, ST की 62, OBC की 69, EWS की 66 गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इनको 9 बजे रिपोर्ट करना है 19 जुलाई को, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट है जैसे OBC लगा हुआ UR है, तो फ्रेंड्स वो UR में फाइट हुआ है, OBC का कैंडिडेट है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है कि आप ये मत सोचो कि UR का कम कैंडिडेट लिया गया है, क्योंकि OBC का बंदा था जो UR फाइट किया है तो UR में वो जाएगा। टोटल इन्होंने 1 से 490 तक पास कर दिया, बाकी सभी का नंबर जारी कर दिया। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डेट का क्या है। देखिए फ्रेंड, नीचे आने के बाद में आप देख सकते हो 25 कैंडिडेट को जाना है 19 जुलाई को, उसके बाद में 26 सीरियल नंबर 26 से है वो 20 जुलाई को जाना है। तो 19 से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट कब होगा। तो फ्रेंड्स, इसका लास्ट होगा जो कि 11 अगस्त 2023 को होगा, 19 जुलाई से चालू होगा और 11 अगस्त को समाप्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख लेते हैं नीचे जिनका चयन नहीं हुआ है, जो कि फिजिकल देने गए थे लेकिन नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो देखो UR का एबसेंट जो PET में नहीं गया, तो इनको तो छोड़ना है। बाकी आप देख सकते हैं इनके नंबर जारी कर दिए हैं, 74 ये नंबर जारी कर दिए हैं, ठीक है। सभी का कैंडिडेट का नंबर जारी है इसमें फ्रेंड्स, जितने भी है जो पहले PET में नहीं गए उनका भी है, जो PET में गए उनका भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, टोटल कैंडिडेट की बात कर ले तो 3532 लड़के एग्जाम में बैठे थे, और फ्रेंड्स सभी का मैंने आपको बता दिया, सभी का नंबर जारी कर दिया है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। जय हिंद।